हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हलवाई स्टाइल में ब्रेड पकौड़ा बनाना सिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है, उसमें डालेंगे हम अजवाइन और आधा छोटा चम्मच नमक, आधे से भी आधा छोटा चम्मच हमने बेकिंग सोडा ले लेना है। ये हमने पहले इसलिए डाला है ताकि जो ब्रेड पकौड़े हमारे फूले फूले बने। अगर हम बाद में डालते हैं तो ब्रेड पकौड़े फ्लैटी बन जाते हैं और फूले फूले नहीं बनते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले नमक, अजवाइन और मीठा सोडा लिया है। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी डाल के इसको हमने मिक्स कर देना है। अब इसमें बेसन डालेंगे। मिक्स करेंगे। अब ये बैटर मिक्स हो चुका है, ऐसा बैटर हमें चाहिए, इतना गाढ़ा। तो अब इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम ब्रेड में भरने के लिए आलू का मसाला तैयार करते हैं। हमने बॉयल्ड आलू ले लेने हैं, उसको हमने कद्दूकस कर लेना है ऐसे। अब इसमें हमने दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का एक टुकड़ा काट के डाल लेना है, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर और आधा चम्मच नमक, हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब हमने ब्रेड ले लेनी है, उसमें इस मसाले को हमने भर लेना है। अच्छी तरह से भर के इसको बंद कर लेना है। भरने के बाद हमने इसको बीच में से ट्रायंगल शेप में काट लेना है ऐसे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारे बैटर में बबल्स आ चुके हैं जो हमने बेकिंग सोडा डाला था। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और ब्रेड को इसमें डिप करके हमने फ्राई कर लेने हैं। अब इसमें हमने एक चुटकी हींग डाल देनी है और आधा चम्मच हल्दी डाल देनी है, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हमने ब्रेड को इस बैटर में बीफ करके अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। अब इसको पलट लेंगे। ये देखिए ब्रेड पकौड़े हमारे बन चुके हैं, बिल्कुल फूले फूले। अब हम इनको निकाल लेंगे।
देखिए कितने सॉफ्ट हमारे ब्रेड पकौड़े बने हैं। अब इनको सर्व कर देंगे ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ। देखिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमारे सॉफ्ट ब्रेड पकौड़े बने हैं, स्पंजी टाइप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।